Welcome to English Campus. आज हम देखेंगे पारंपरिक खेल यानी कि ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में। सबसे पहला है लुका छिपी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक, लुका छिपी को इंग्लिश में कहा जाता है हाइड एंड सीक। इसमें एक खिलाड़ी आग बंद कर दस्तक गिनती करता है और बाकी खिलाड़ी तब तक छिपते हैं जिसे उसे ढूंढना होता है। तो लुका छिपी को हम इंग्लिश में कहेंगे हाइड एंड सीक। नेक्स्ट इज पकड़म पकड़ाई, इसको कहते हैं टैग गेम। टैग गेम, पकड़म पकड़ाई यानी कि इसमें भी एक खिलाड़ी बाकी बच्चों के पीछे भागकर उन्हें पकड़ता है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे टैग गेम। गिल्ली डंडा, जिसे कहते हैं टिप कैट। टिप कैट, गिल्ली जमीन पर रख के डंडे से मारते हुए हवा में उछाली जाती है और जो ज्यादा गिल्ली उछालते हुए पहुंचाता है उसे कहा जाता है विजयी यानी कि विनर। तो इस गेम को हम इंग्लिश में कहेंगे टिप कैट यानी कि गिल्ली डंडा। रस्सी खेल, रस्सी खेल को कहेंगे कैट्स क्रेडल। कैट्स क्रेडल, अपनी उंगलियों में धागे को घुमाकर अलग अलग डिजाइन बनाना यानी रस्सी खेल, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैट्स क्रेडल। कंचों का खेल यानी कि मार्बल्स गेम। मार्बल्स गेम, एक कंचे को दूसरे कंचों से उंगली तानकर निशाना लगाना यानी कंचों का खेल। इसमें जिसका निशाना लगता है उसका कंचा हो जाता है, तो कंचों के खेल को इंग्लिश में कहते हैं मार्बल्स गेम। जीरो काटा यानी कि टिक टैग टो। टिक टैग टो, नो बॉक्स वाली गेम में दो खिलाड़ी अपने अपने चिन्ह लिखते हैं, जैसे कि जीरो और क्रॉस, दोनों में से कोई एक का चिन्ह लगातार तीन बॉक्स में पहले आए तो वो विजयी होता है। तो जीरो काटा को हम इंग्लिश में कहेंगे टिक टैग टो। स्टेपू, स्टेपू यानी कि हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच, हर एक खिलाड़ी हॉपस्कॉच वाले कॉलम में कोई भी एक छोटी चीज डालता है और जिस कॉलम में वो गिरती है वो कॉलम छोड़ के बाकी के कॉलम में से खिलाड़ी कूदते हुए निकलता है, इसको कहते हैं स्टेपू यानी कि हॉपस्कॉच। हाथ मिचौली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लाइंड्स मैन बफ। ब्लाइंड्स मैन बफ यानी कि आंख मिचौली, इस खेल में किसी को भागने या छुपने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सिर्फ एक खिलाड़ी की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे परेशान करते हुए भागते हैं, तो आंख मिचौली को इंग्लिश में कहेंगे ब्लाइंड्स मैन बफ। लगोरिया पिट्ठू, इसे कहते हैं सेवन स्टोन। सेवन स्टोन, लगोरिया पिट्ठू यानी सेवन स्टोन। इस खेल में दो टीम होते हैं, सात चपटे पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और कोई भी एक टीम का खिलाड़ी गेंद मारकर उसे गिराता है। दूसरी टीम ये पत्थरों को फिर से जमा करने के लिए भागते हैं और उसी दौरान पहले टीम वाले बच्चे उन्हें गेंद मार कर रोकते हैं, तो इस गेम को कहेंगे सेवन स्टोन यानी कि लगोरिया पिट्ठू। संगीत कुर्सी, संगीत कुर्सी को कहेंगे म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर, इसमें खिलाड़ियों की संख्या से एक कम कुर्सी होती है। जब म्यूजिक बजता है तब सब खिलाड़ी चेयर के चारों ओर घूमते हैं और जैसे ही म्यूजिक रुका तो अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जो लास्ट में जिसे चेयर नहीं मिलती यानी कि जिसे चेयर पर बैठने नहीं मिलता वो गेम से आउट होता है। तो संगीत कुर्सी को हम इंग्लिश में कहेंगे म्यूजिकल चेयर। रुमाल चोर यानी कि हैंकरचिफ गेम। हैंकरचिफ गेम, सब बच्चे गोलाकार बैठते हैं और एक बच्चा हाथ में रुमाल लिए उनके चारों ओर चलता है। उनमें से कोई भी एक के पीछे वो बच्चा वो रुमाल छोड़ता है और जिसके पीछे रुमाल छोड़ता वो बच्चा वो रुमाल लेके जो खिलाड़ी होता है उसके पीछे भागता है ताकि वो उसके जगह पे जाके ना बैठ पाए। तो रुमाल चोर को इंग्लिश में कहते हैं हैंकरचीफ गेम। शब्द पहेली, इसे कहते हैं वर्ड पजल। वर्ड पजल, शब्द पहेली को इंग्लिश में कहते हैं वर्ड पजल। ये खेल शब्दों का होता है जिसमें किसी भी वस्तु के गुणों को भ्रामक रूप से पूछते हैं, तो शब्द पहेली को हम इंग्लिश में कहेंगे वर्ड पजल। पोशंपा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन यानी कि पोशंपा,
दो बच्चे अपने हाथ ऊपर उठाकर एक दूसरे से मिलते हुए ब्रिज बनाते हैं और बाकी के बच्चे कोशंपा का गाना गाते गाते उसके नीचे से गुजरते हैं। गाने के लास्ट लाइन आने पर जो बच्चा उसमें से गुजरता है वो ब्रिज बनाने वाले दो जन उसे पकड़ते हैं, जो कि वो बच्चा आउट होता है। तो कोशंपा को इंग्लिश में कहेंगे लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। लंगड़ी, लंगड़ी को कहते हैं वन लेग। वन लेग लंगड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है वन लेग। लंगड़ी में एक बच्चा एक पैर से चलते हुए दूसरे बच्चों को छूने की कोशिश करता है, यानी कि उन्हें आउट करने की कोशिश करता है। तो लंगड़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे वन लेग। गुट्टे, गुट्टे को कहा जाता है फाइव स्टोन गेम। फाइव स्टोन गेम यानी कि गुट्टे। इसमें पांच पत्थरों को पहले जमीन पर फेंका जाता है, जिसमें से एक को हवा में उछालकर बाकी पत्थरों को उठाया जाता है और उसी के साथ ही उछाला हुआ पत्थर भी पकड़ना होता है। तो इस गेम को कहेंगे गुट्टे यानी फाइव स्टोन गेम। अगला है लट्टू खेल। लट्टू खेल यानी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये एक लकड़ी का खिलौना होता है जिसके निचले भाग में कील होती है और ऊपर से नीचे की ओर खांचे बने होते हैं जिसमें रस्सी को घुमाना होता है। तो लट्टू खेल को इंग्लिश में कहा जाता है स्पिनिंग टॉप। अंताक्षरी, इसे कहते हैं सिंगिंग सॉन्ग्स। सिंगिंग सॉन्ग्स इसमें गाना या कविता गाते हैं और उस गाने के लास्ट वाले अक्षर से सामने वाले को नया गाना शुरू करना होता है। तो अंताक्षरी को इंग्लिश में कहते हैं सिंगिंग सॉन्ग्स। रस्साकशी, रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर दो टीम एक रस्सी को उल्टी दिशा में अपने अपनी ओर खींचते हैं और जो दूसरे की सीमा में खींच जाता है उसकी हार हो जाती है। तो रस्साकशी को हम इंग्लिश में कहेंगे टग ऑफ वॉर। पतंगबाजी, पतंगबाजी को कहा जाता है काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग पतंगबाजी में पतंगबाज एक दूसरे के साथ में तब तक उलझते हैं, यानी कि तब तक पतंग उड़ाते हैं जब तक कि वो किसी एक का तार नहीं कट जाता। तो पतंगबाजी को हम इंग्लिश में कहेंगे काइट फ्लाइंग। रस्सी कूदना मीन्स स्किपिंग। स्किपिंग रस्सी कूदने के दो तरीके होते हैं, एक तो अपने आप ही रस्सी कूदना या फिर दूसरा जो होता है उसमें दो बच्चे रस्सी पकड़कर एक बच्चा रस्सी में कूदता है। तो रस्सी कूदने को इंग्लिश में कहा जाता है स्किपिंग। पेन से खेलना, इसे कहते हैं पेन फाइट। पेन फाइट टेबल पर अपनी अपनी पेन रखकर हर एक दूसरों की पेन को टेबल से नीचे गिराने की कोशिश करता है और जिसके पेन से सारे जो पेन है वो नीचे गिरते हैं वो व्यक्ति विजयी होता है। तो पेन से खेलने को इंग्लिश में कहेंगे पेन फाइट। सांप सीढ़ी यानी कि स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर डाइस को फेंक कर जितने नंबर आए अपनी गोटी उतनी बार बोर्ड पर आगे बढ़ानी होती है। 100 नंबर तक पहुंचने वाला खिलाड़ी विजयी होता है। सीढ़ी मिले तो ऊपर चढ़ जाओ और सांप काटे तो उसके पूंछ पर उतर जाओ, इसी गेम का ये सीक्रेट है। तो सांप सीढ़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे स्नेक एंड लैडर। ऊंच नीच का पापड़ा, इसे कहते हैं अप एंड डाउन। अप एंड डाउन बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हुए कहते हैं ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगिया नीच। अगर खिलाड़ी ऊंच बोलता है तो वो बच्चों को ऊंचे स्थान पर जाना होता है और अगर खिलाड़ी नीच बोले तो बच्चों को निचले स्थान पर रहना होता है। और जब खिलाड़ी उन्हें पकड़ने जाता है तो अगर वो उनके स्थान पर नहीं होते तो वो पकड़ा जाता है यानी कि आउट होता है। तो ऊंच नीच का पापड़ा को इंग्लिश में कहेंगे अप एंड डाउन। सिपाही यानी कि थिफ सोल्जर। थिफ सोल्जर इसमें कागज के चार टुकड़ों पे चोर सिपाही राजा मंत्री लिखते हैं और फोल्ड करके उसे फेंकते हैं। जिसके पास चोर लिखा हुआ कागज आता है वो चोर और जिसके पास मंत्री लिखा हुआ कागज आता है वो मंत्री। इसी तरह बाकी के नाम से सब नवाजे जाते हैं। तो चोर सिपाही को इंग्लिश में कहेंगे थिफ सोल्जर। अगला है कबड्डी। कबड्डी को इंग्लिश में भी कबड्डी ही कहते हैं। कबड्डी दो टीम सामने सामने खड़े होकर बारी बारी से अपोजिट टीम में जाते हैं ताकि सामने वाले टीम मेंबर को छूकर वापस आकर उन्हें आउट कर सके। इसी के साथ उन्हें कबड्डी कबड्डी की रॉड भी लगानी होती है जिससे उन्हें पॉइंट मिले। तो कबड्डी को हम इंग्लिश में भी कहेंगे कबड्डी।
लकड़ी का खेल इसे कहते हैं पिक ऑफ स्टिक्स। पिक ऑफ स्टिक्स यानी कि लकड़ी का खेल। इसमें कुछ छोटी स्टिक्स जैसे कि पतली छोटी लकड़ी के टुकड़े या फिर माचिस की तीली बिखेरी जाती है और प्लेयर एक स्टिक बिना दूसरी स्टिक्स को हिलाए उठाता है और लड़कियां तो इसमें चूड़ी के टुकड़ों का भी यूज करते हैं। तो लकड़ी के खेल को इंग्लिश में कहेंगे पिक अप स्टिक्स। बिंदु मिलाना यानी कि डॉट्स एंड बॉक्सेस। डॉट्स एंड बॉक्सेस इसमें दोनों खिलाड़ियों को बिंदु को जोड़कर लाइन बनानी होती है और बॉक्स बनने पर अपने नाम का अक्षर लिखना होता है। सारे बिंदु पूरे होने पर हर एक अक्षर गिना जाता है और जिसके ज्यादा अक्षर वो विजयी। तो बिंदु मिलाने को इंग्लिश में कहा जाता है डॉट्स एंड बॉक्सेस। सिकड़ी सिकड़ी यानी कि चेन चेन। चेन चेन सिकड़ी सिकड़ी को कहा जाता है चेन चेन। एक खिलाड़ी बाकी बच्चों के पीछे दौड़कर उन्हें पकड़ता है और जिसको वो पकड़ता है वो खिलाड़ी के साथ में हाथ मिलाकर और बाकी के बच्चों को पकड़ने जाता है। इस तरीके से वो क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते जाते हैं, उसे कहते हैं सिकड़ी सिकड़ी यानी कि चेन चेन। कैरम जिसे इंग्लिश में भी कहा जाता है कैरम। कैरम इसे दो तीन या चार खिलाड़ी खेल सकते हैं। इसके लिए एक कैरम बोर्ड और नौ काले और पीली गोटियां और एक लाल रंग की रानी गोटी होती है। एक स्ट्राइकर भी होता है जिससे मारकर गोटियों को कैरम बोर्ड के जो चार कोने होते हैं उसके अंदर धकेलना होता है। तो कैरम को हम इंग्लिश में कहेंगे कैरम। खो खो इसे इंग्लिश में भी कहा जाता है खो खो। खो खो ये दो टीम में खेला जाने वाला खेल है जिसमें हर एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक टीम के 8 प्लेयर घुटने के बल बैठते हैं तो एक प्लेयर अपोजिट टीम के खिलाड़ी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और जरूरत होने पर बैठे में से कोई भी एक खिलाड़ी को खो के और उसे मौका दिया जाता है वो सामने वाले को पकड़ने के लिए। तो खो खो को हम इंग्लिश में कहेंगे खो खो। रंगों का खेल इसे कहते हैं टिपी टिपी टॉप। टिपी टिपी टॉप। टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट। सब बच्चे चिल्लाते हुए खिलाड़ी को पूछते हैं और जो रंग खिलाड़ी कहता है उस कलर की चीज को जाके छूना होता है। इसी दौरान खिलाड़ी भी उनके पीछे भागता है यानी कि जो लड़का या जो बच्चा कलर के जो कपड़े को या कलर की चीज को नहीं छूता है उसको वो खिलाड़ी पकड़कर उन्हें आउट करता है। तो रंगों के खेल को इंग्लिश में कहेंगे टिपी टिपी टॉप। चौपड़ या चौसर इसे कहते हैं बोर्ड गेम। बोर्ड गेम यह खेल बिसात पर चार रंगों की चार चार गोटियां और तीन पासों से खेलते हैं। तो चौपड़ या चौसर को कहेंगे बोर्ड गेम। अगला है रुमाल झपट्टा यानी कि डॉग एंड दी बोन। डॉग एंड दी बोन दो टीम के बीच में गोल बनाकर उसमें रुमाल रखते हैं और हर एक टीम का एक एक खिलाड़ी आकर रुमाल उठाने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं रुमाल झपट्टा यानी कि डॉग एंड द बोन। और लास्ट है पहिया गाड़ी यानी कि टायर रेसिंग। टायर रेसिंग पहले सब बच्चों के पास में साइकिल नहीं होती तो वो क्या करते हैं बेकार पहिया यानी कि बेकार टायर को अपनी गाड़ी मानकर उसे हाथ या लकड़ी से भगाते थे। तो पहिया गाड़ी को इंग्लिश में कहेंगे टायर रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर and subscribe to my channel. Thank you.